नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 6 का। आइए सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। कयौ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावई मोही, विप्र विचारी बचऊं नृप द्रोही। मिले न कबहूं सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरें के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ को। पहला शब्द है उरिन। उरिन शब्द का अर्थ है ऋण से मुक्त होना। नीके, इसका अर्थ है भली प्रकार। भय अर्थात हो गए। सोचू, इसका अर्थ है चिंता। काढ़ा अर्थात निकालना। व्यवहारिया अर्थात हिसाब किताब करने वाला। बोली अर्थात बुलाकर। भृगुबर, ये शब्द परशुराम जी के लिए आया है। मोही अर्थात मुझे। विप्र, विप्र का अर्थ है ब्राह्मण। नृपद्रोही अर्थात राजाओं के शत्रु। सुभट अर्थात श्रेष्ठ योद्धा। द्विज अर्थात ब्राह्मण। से नहीं, इसका अर्थ है संकेत से। निवारे अर्थात मना किया। उतर, इसका अर्थ है उत्तर। सरिस, इसका अर्थ है समान। कृषाणु अर्थात अग्नि। और भानु, इसका अर्थ है सूर्य। अब हम देखेंगे इसके संदर्भ को। इस पद्यांश का संबंध मूल रूप से तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से है, किंतु यहां यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है और इसके रचयिता प्रसिद्ध भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रसंग को। सीता स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष टूटने पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए। भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी में आपसी संवाद और तर्क वितर्क हुआ। परशुराम जी ने आत्म प्रशंसा, अभिमान और क्रोध युक्त वचन कहे, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर अनेक व्यंग किए। तब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को उनकी मृत्यु का भय दिखाकर चुप होने के लिए कहा, किंतु लक्ष्मण जी चुप नहीं हुए। तब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के गुरु विश्वामित्र जी को लक्ष्मण जी को समझाकर चुप कराने के लिए कहा और साथ में ये भी जताया कि वह विश्वामित्र जी के शील स्वभाव के कारण ही अब तक उनके शिष्य लक्ष्मण को छोड़ रहे हैं, अन्यथा उसका वो वध कर देते। तब परशुराम जी की ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उन पर व्यंग किया। आगे की कथा का वर्णन ही इस पद्यांश में वर्णित है। अब हम देखते हैं इसके भावार्थ को। जब परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को यह कहा कि वह अब तक विश्वामित्र जी के शील स्वभाव को ध्यान में रखकर ही उनके शिष्य लक्ष्मण को छोड़ रहे हैं, तब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहा, कहो लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी, शील तुम्हारा,
कि आप मेरे गुरु विश्वामित्र जी के शील स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, किंतु आपके शील स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता विदित संसारा, ये तो सारे संसार को विदित है, तो सारे संसार में प्रसिद्ध है आपका शील स्वभाव। माता पिता ही उरिन भय नीके, कि आप किस प्रकार अपने माता पिता उनके ऋण से नीके अर्थात भली प्रकार से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, और माता पिता का ऋण तो अब चुकता हो गया, किंतु अब गुरु का ऋण आपके ऊपर रहा है। बस गुरु ऋणु रहा, गुरु का ऋण अभी तक बाकी है, यही सोचू, यही चिंता, एक बड़ी चिंता वो आपके मन में है, वो आपके जी में है, और आप ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु के उस ऋण को जल्दी से जल्दी चुकाया जाए। सो जनेउ, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो आपने गुरु के उस ऋण को हमरे ही माथे काड़ा, हमारे ही माथे काड़ दिया, अर्थात हमारे द्वारा उतारना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़बड़ा, और अब तो गुरु के ऋण को बहुत दिन हो गए होंगे, अब तो उस पर ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोलिए, तो आप एक काम कीजिए, आप एक व्यवहारिया अर्थात हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुलाकर लाइए, वह हिसाब लगाकर जितना भी ऋण बताएगा तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत बिना कुछ सोचे उसके बताए अनुसार जितना भी ऋण बनता है वो थैली खोलकर तुरंत दे दूंगा, चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी के ऐसे व्यंगपूर्ण और कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए, और उन्होंने लक्ष्मण जी पर प्रहार करने के लिए अपने कुठार को सुधारा, अपने कुठार को वार करने की, प्रहार करने की स्थिति में अपने हाथ में ले लिया और उन पर वार करने के लिए उद्यत हो गए। हाय हाय सब सभा पुकारा, उस सभा में उपस्थित सभी लोग किसी अनिष्ट की आशंका के कारण से हाय हाय करने लगे, किंतु मृत्यु के भय से भी लक्ष्मण जी चुप नहीं हुए, वो क्रोध और व्यंग में उसी प्रकार परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, भृगुवर अर्थात हे परशुराम जी, परसों दिखावई मुई, आप मुझे अपना ये फरसा दिखा रहे हैं, मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हैं, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, कि आप तो क्षत्रिय राजाओं के शत्रु हैं, आप तो उल्टा मेरे अपराधी हैं, आपने अनेक निरपराध क्षत्रिय राजाओं को मारा है, आप मुझे क्या छोड़ रहे हैं। विप्र विचारी ब्राह्मण समझकर, ब्राह्मण का विचार करके बचाऊं, मैं आपको बचा रहा हूं, आप अब तक मेरे हाथों से यदि बचे हुए हैं तो मेरे कुल की परंपरा अनुसार कि हम ब्राह्मण पर किसी प्रकार की वीरता नहीं दिखाते, इसलिए आप अब तक बचे हुए हैं। मिले ना कबहू सुभटरन गाड़े, द्विज देवता घरे के बाड़े, कि हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता परशुराम जी, मिले ना कबहू सुभट रन गाड़े, आपको कभी भी रण में युद्ध में सुभट अर्थात श्रेष्ठ योद्धा नहीं मिले होंगे, आपने अब तक जितने भी युद्ध लड़े क्षत्रिय राजाओं के साथ में, आपका कभी भी हम जैसे श्रेष्ठ योद्धाओं से सामना नहीं हुआ होगा, आप तो घरे के बाड़े, आप तो घर में ही बड़े हुए हैं, घर में ही शेर बने हुए हैं, यदि आपका हम जैसे श्रेष्ठ योद्धाओं से सामना हो जाता तो आपका ये अभिमान, ये बल, ये सामर्थ्य, ये आत्म प्रशंसा का भाव कब का ही समाप्त हो जाता। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के अपमानजनक और क्रोधपूर्ण व्यवहार जो वो परशुराम जी के प्रति कर रहे थे, सब लोग जो उस सभा में उपस्थित थे उन सब लोगों ने पुकार कर ये कहा कि लक्ष्मण जी का ये व्यवहार अनुचित है परशुराम जी के प्रति। रघुपति सहने ही लखनऊ निवारे, तब
भगवान राम ने बात को शांत करने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए सैनही अर्थात संकेत से लखनऊ नेवारे लक्ष्मण जी को मना किया। लखन उतर आहुति सरिस। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषानु। भृगुवर अर्थात परशुराम जी उनके क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के इस प्रकार के व्यंग्यपूर्ण उत्तर आहुति सरिस, आहुति के समान उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे, और इस प्रकार परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात भगवान राम जल सम वचन बोले, अर्थात शीतल जल के समान वचन बोले। अब हम देखेंगे इसकी काव्यगत विशेषताओं को। काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पक्ष की विशेषताएं बताई जाती हैं। यदि हम भाव पक्ष की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश में लक्ष्मण जी के क्रोध और व्यंग, परशुराम जी के क्रोध तथा भगवान राम की विनम्रता, इसका चित्रण हुआ है। परशुराम जी जैसे श्रेष्ठ मुनि के प्रति लक्ष्मण जी के इस प्रकार के अपमानजनक, व्यंग्यपूर्ण और क्रोधपूर्ण व्यवहार को अनुचित बताया गया है। यदि हम कला पक्ष की दृष्टि से विचार करें तो सर्वप्रथम भाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पद्यांश की भाषा साहित्यिक और प्रांजल अवधि भाषा है। भाषा सरल है, भावानुकूल है, प्रभामयी है तथा इसमें लाक्षणिकता का गुण है। यदि अलंकार की दृष्टि से विचार करें, रिनु रहा रेवर्ण की आवृत्ति, ब्याज बड़ बाड़ा इसमें बैवर्ण की आवृत्ति, कोप कृषानु इसमें कैवर्ण की आवृत्ति, द्विज देवता दैवर्ण की आवृत्ति, इस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति होने से इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हाय हाय शब्द, यह शब्द दो बार आया है किंतु इसका अर्थ और इसका अन्वय समान होने के कारण यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान बताने पर इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। कोप कृषानु क्रोध रूपी अग्नि, इसमें रूपक अलंकार है। बढ़त देखी जल सम वचन, इसमें उपमा अलंकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पद्यांश के अंदर अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा और रूपक अलंकार, इसका सुंदर प्रयोग हुआ है। यदि छंद की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश में चौपाई छंद और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। छंद की यति गति प्रशस्य है तथा उसमें गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। यदि शैली की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश में हमें व्यंग शैली और संवाद शैली, इन दोनों शैलियों के दर्शन होते हैं। तो आज हमने इस पद्यांश के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। यदि आप लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 1 से 5 तक का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।